Hello friends, welcome back to my channel. So today I am going to talk about my favorite cricketer Dhoni. So let's start. मैं एम एस धोनी से इंस्पायर हुई उनकी मूवी देख के, और एम एस धोनी नाम में ही कूलनेस है। उनका नाम सुनते ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने उनसे सीखी वो है फोकस रहना। धोनी हमेशा कुछ भी हो, फील्ड पे चैलेंजेस या प्रेशर हो, हमेशा काम और फोकस रहते हैं। लाइकवाइज स्टडीज हो या स्पोर्ट्स हो, या तो फिर हमारा कोई पैशन ही क्यों ना हो, हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए। जनरली हम टीवी, मोबाइल और स्क्रीनिंग में हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो क्यों ना हम यही टाइम यूटिलाइज करें हमारी स्किल्स बढ़ाने में पूरे फोकस के साथ। Here we go, last ball, to the outside, it's running through, could be run out, is he run out? Out, what a comeback from India. दूसरी बात जो मैंने एम एस धोनी से सीखी है वो है लीडरशिप स्किल्स। ही इज द नंबर वन कैप्टन इन द वर्ल्ड। वो हमेशा टीम को फ्रंट से लीड करते हैं और दूसरों की एबिलिटी समझ के उनको चांस देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी लीड करने में चांस मिले स्कूल में या कहीं भी, तो हमको दूसरों की एबिलिटी समझ के उनको चांस देना चाहिए। हमें एक लीडर की तरह विनिंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। MS Dhoni got it right in the end. India, the world champions. The third quality of Dhoni is he is Mr. Cool. ये quality उनकी तो super से भी ऊपर है। तो इसी तरह हमें भी हमारी life में कोई भी situation में cool रहना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. Dhoni, Allah ke Dhoni. स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक खत्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए, मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, यू नो, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो, तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूंगा और अच्छा करूँगा। नेक्स्ट थिंग मैंने जो धोनी से सीखी है वो है स्पोर्ट्समैनशिप। धोनी हमेशा कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो जीते या हारे। उसी तरह हमें भी हमारे कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो हमसे बेहतर क्यों ना हो। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने धोनी से सीखी है, डीलिंग विद फेलर्स। जितना ही इम्पोर्टेंट सक्सेस को हैंडल करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट फेलर को हैंडल करना है। उसमें तो धोनी माहिर है, वो हमेशा काम रहते हैं और उनकी कमजोरी पर काम करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डियर धोनी, वी विल मिस यू, होल वर्ल्ड विल मिस यू, वी विल मिस द चैंट इन द क्राउड, धोनी 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 धोनी। Style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.